नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, विपक्ष पर जमकर किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस का रहा सदैव दोहरा चरित्र। भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शुक्रवार को देर रात्रि में शहर के सीताराम बाबा बावड़िया आश्रम पर पहुंची। आश्रम पहुंचने पर साध्वी का महामंडलेश्वर ओकारदास जी महाराज ने स्वागत किया। इसके बाद शनिवार को उन्होंने खाटू श्याम में बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद सालासर दरबार में माथा टेका। आश्रम पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को सही ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सभी दलों को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का बहुत बड़ा आर्थिक बजट बचेगा। वहीं जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो अधिसूचना जारी होने के बाद आम आदमी के विकास का काम नहीं हो पाता, इसलिए देश में दो चरणों में चुनाव होना अच्छी बात है, इसका सभी को मिलकर समर्थन करना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए और स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई सरकार अल्पमत में गिरती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के जरिए दिए गए बयानों के बारे में भी बात की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा आतंकवादियों के मारे जाने पर कौन शोक मनाता है, राम मंदिर न बने इसके लिए कोर्ट में कौन खड़ा होता है, देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो प्रियंका राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या के घटनास्थल पर वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र था और रहेगा। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी नेत्री ने आगे कहा कि सबकी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलना गलत है। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के चुनाव और उसकी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। संसद में कोरम के तहत ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन देश के बाहर कोई भी इसे उचित नहीं मानता। उन्होंने कहा कि अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई तो कांग्रेस ही थी जिसने देश में आपातकाल जैसा कानून लागू करके ऐसा किया। कांग्रेस ने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो चुनाव हार गई। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो कौन शोक मनाता है, कोर्ट में कौन खड़ा होकर राम मंदिर निर्माण को रोकता है। ये तो मेरा दौरा स्वाभाविक है, ये था कि खाटू श्याम बालाजी यहाँ दर्शन करते हुए निकले, और ये महाराज जी बहुत अपने पुराने परिचित भी हैं और बहुत अच्छे संत हैं, तो आज ये हुआ कि हम चलो संतों के दर्शन करेंगे, वहीं रुकेंगे रात में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी एक गांव में सदस्यता अभियान भी करवा करके आए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी सिपाही हूँ, काम करती रहती हूँ जितना बनता है अपने से। लग रहा है कि इसको सारी पार्टियों को एक होकर के इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा आर्थिक बजट बचत होगी। और दूसरा, जब भी चुनाव होता है किसी राज्य में, सूचना लगने के बाद फिर वहाँ कोई काम नहीं होता, काम भी रुक जाता है, और इलेक्शन में बहुत बड़ा, जैसे स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, नगरीय चुनाव हुआ, ग्रामीण का चुनाव अलग हुआ, लोकसभा का चुनाव अलग हुआ, विधानसभा का अलग हुआ, ये तो दो चरणों में चुनाव होना ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि इसको सबको समर्थन करना चाहिए, इससे सबके लिए अच्छा होगा। चुनाव एक साथ हो, लोकसभा विधानसभा का, स्थानीय पंचायत का एक साथ हो, बस इससे व्यक्ति, और उसमें एक प्रावधान भी है, यदि कहीं अल्पमत में सरकार गिर जाती है तो उतने कार्यकाल के लिए फिर भी चुनाव होगा। इसमें तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो इतना मानती हूँ कि देश हित में, राष्ट्र के हित में बहुत अच्छा कदम है। क्या कहेंगे, राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के
भारत के निर्वाचन पर सवाल खड़े करना, भारत में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना, भारत का विकास ठप हो गया है सवाल खड़ा करना, विदेश की धरती में किसी भी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। कोई बात है तो एक फोरम है, पार्लियामेंट है, वहां पर ना विषय उठा सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर के देश के खिलाफ बोलना, सिखों को पगड़ी नहीं पहने दिया जाता, अन्य अन्य तरह की भाषा बोलना, ये ठीक नहीं है। इसको कहीं तक कोई उचित नहीं मानता है, इसको उचित फोरम पर बात की जाती है। लेकिन कहते हैं नाच ना हो आंगन टेढ़ा, जो सत्ता में आज़ादी के बाद से रहे हैं, गरीबों को गरीबी देने का कारण कौन है? ये 10 साल की सरकार है कि 60 साल जो सत्ता में रहे वो लोग हैं? और मैं तो इतना कह सकती हूँ कि झूठी बात बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती। इस बात जिस तरह से अफवाह उड़ा करके चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बाबा साहब को सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिया मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, शायद कभी नहीं मिला होगा। और संविधान के दायरे में रह के काम किया जा रहा है। यदि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस ने उड़ाई उस समय जब इमरजेंसी जैसा कानून लागू कर दिया, सिर्फ चुनाव, एक चुनाव इलेक्शन हारने के कारण। तो लेकर क्या? देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी हो नहीं करना चाहिए, लेकिन आतंकवादियों के मारने पर मातम कौन मनाता है? राम मंदिर को ना बने इसके लिए कोर्ट में खड़े होके कौन रोक लगाता है? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई घटना घटती है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल अभी तक नहीं पहुंचे जहाँ एक डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई और उसके साथ रेप हुआ। ये तो दोहरा चरित्र कांग्रेस का था और रहेगा आगे। इसको कोई, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में एक कल व्यक्ति के माध्यम से जो पार्टी चल रही है उसको कोई रोक, इस तरह के बयानबाजी को कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने किसी का बयान सुना नहीं है राजस्थान में क्या हुआ है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।